जब तक पति कमाएगा नहीं ताड़ी बेच के तो बच्चा के पढ़ाएगा कहाँ से? जब से नीतीश के बाबू का में से जब से नहीं क्या नहीं बोलेंगे नीतीश कुमार ताड़ी पर फ्री करा नहीं फ्री करेंगे नीतीश जी कौन चीज करिएगा अरे कैसे नहीं फ्री करेंगे उसका राज है हमारा खानदानी पैसा है हमारा रोजगार है प्रकृति का दिया हुआ जूस है कोई दारू नहीं बनाते से नहीं खोलेगा खोलेगा नशा मुक्ति अभियान नीतीश कुमार जी बनाए हुए हैं तो खुद पीते हैं ना ये आप गलत बात बोल रहे हैं पीते हैं आपको जेल बोलते हैं सही बोलते हैं हम लोग के लिए नशा मुक्ति अभियान है और उनके लिए चालू है ना अंदर बहु बेटी बैठी हुई थी तो उसको भी गाली देता है एक क्या हुआ कि हमारे सीतामढ़ी में एक लड़की का शादी था आया तारी का छापामारी करने वो अगला का तारी पकड़ाया कि ना पकड़ाया ये नहीं निकाल सकते मगर जो लड़की का शादी था उस दिन पूजा मटकोर था उस लड़की को पकड़ के ले गया बताइए वो तारी बेच सकती है उसको पकड़ के ले गया उसका शादी नहीं हुआ शादी टूट गया उसके पिताजी ने इतना पैसा खर्चा किया हुआ था वो सब क्या सरकार देगा मुआवजा एगो महिला के साथ में क्या हुआ उसका 6 महीना के कि 7 महीना का प्रेगनेंट थी उसको इतना मारा कि उसका बच्चा नुकसान हो गया सबका सबूत है देख कहिएगा तो हम दिखाएंगे मोबाइल में वीडियो है बच्चा ये हो गया बच्चा नुकसान हो गया तारी से फायदा ये है वो जहरीला नहीं होता है एक जूस होता है उससे पीने से कोई मरता नहीं है किसी का घर नहीं बिगड़ता है किसी का माँ से बेटा नहीं छिनाता किसी के पत्नी विधवा नहीं होती किसी बच्चे से बाप नहीं छिनाता है और उससे बाद में उससे ये है कि जॉन्डिस जो बीमारी होता है तारी पीजिएगा जिसको जॉन्डिस है ना आपको विश्वास है आप किसी के पास में जॉन्डिस है पासी समाज के पास ले जाइए और उसे खजूर का तारी पिवाइए जितना दिन का वो कह रहे हैं आपका जॉन्डिस छूट जाएगा खजूरिया वाला ठीक हो तारा वाला नहीं होता अरे तारा वाला सही है पटना में पासी समाज का जबरदस्त आंदोलन हो रहा है दलित समाज से आने वाले पासी समाज का जो पेशा है इनका पेशा है ताड़ी उतारना जिसको नीतीश कुमार प्रतिबंधित कर दिए हैं अब ये ताड़ी नहीं बेच पाएंगे नीतीश कुमार सत्ता में आने के बाद 2015 से ही नशा मुक्त बिहार बनाने का प्रयास कर रहे हैं आप लोग काहे आए हैं हम लोग ताड़ी के फ्री कराने आए हैं हमारे तारी पर जो काला कानून लगा दिए हुए हैं वो नीतीश कुमार तारी पर फ्री करा जो प्रतिबंध है काला कानून है वो खत्म कर आप बेचते हैं तारी हमारे पति छेपते हैं हम बेचते नहीं हैं मनोहर पति छेपते हैं वो तारी क्या होता है कि तारी का रस है जूस है प्रकृति का दिया हुआ है और जो तार छेपते हैं कितना हमारे पासी भाई तार पर से गिर जाते हैं मर जाता है इसीलिए बंद किए हैं अरे नौकरी दो ना खाएंगे सर हम लोग रोजगार दीजिए ना बंद कर दिया आप आती हवेली में घुस गया सरकार नौकरी दो बिजनेस दो तार पर से हमारे पास ही भाई गिर जाते थे पूछने जाता है चाहे हम लोग को मुआवजा देता है से बंद किया है किस लिए बंद किया हुआ है तारी पर बंद कर रहा है नशा मुक्ति अभियान चला था खुद पीता है नशा मुक्ति हम लोग के लिए दारू शराब पर बेल है तारी पर जेल है तारी वाला को क्या करते जेल में रखते हैं दारू शराब वाला का फ्री वहाँ से कैश मिलता है 2 लाख 2.5 लाख बड़का बड़का ठिका सर से तो उसके पर से नहीं रोजी रोटी जाता है तुम्हें गरीबा के गरीब वो चाची तोरो तरह वो गरीबा के पास पैसा नहीं उसके पास 2 लाख रुपया देने के लिए तो क्या करता है कि भेड़ बकरी की तरह हमारे पासी भाई को पकड़ आप चाहते हैं कि आपका बाल बच्चा ताड़ी बेचे अरे हमारे बाल बच्चा का है उसी से रोजी रोटी है बाल बच्चा नहीं बेचेगा तारी तो जब तक पति कमाएगा नहीं तारी बेच के तो बच्चा के पढ़ाएगा कहाँ से जब से नीतीश के बाबू का में से जब से नहीं क्या नहीं बोलेंगे जब से तारी बंद हुआ देगा पैसा हम लोग का बाल बच्चा पहले तारी करके तारी चलता था हम लोग फ्री था तो हम लोग का बाल बच्चा प्राइवेट में पढ़ता था आज हमारा बाल बच्चा सरकारी में पढ़ता आप लोग मीडिया वाले या सर वर्दी वाले हैं या खादी वाले उनका बाल बच्चा सरकारी में पढ़ता है नहीं प्राइवेट में पढ़ता क्यों कि सरकारी में पढ़ाई अच्छा नहीं होता है हम लोग का तारी भी फ्री था तो तारी से कमा कर बच्चा को प्राइवेट में पढ़ाते थे तो हम लोग का भविष्य सुधरता आप क्या चाहिए सरकारी में पढ़ा तो क्या खिचड़ी गला देता आज मुजफ्फरपुर से आए हैं नहीं अब सीतामढ़ी से आए आज तू कहाँ से लो सीतामढ़ी से सीतामढ़ी से आऊंगी बोला कुछ बोल रहा बोले तो वाली ये कि मेरा पति तार अब उम्र उनका अति हो गया तो उनका तो ईटा नहीं ढोएगा लेबर के जोरे सीमेंट उठाएगा से बताइए आप नहीं उठाएगा तो हम कौन सी खाएंगे बेटा सब अलग अलग हो गया सब बाहर सबके मारता है पीटता है सब बाहर भाग गया हम कब खाएंगे नीतीश जी नशा मुक्त बिहार बना रहे हैं ना हमारे बाल बच्चा का
पढ़ाएंगे कहाँ से, खिलाएंगे कहाँ से? हमको दे जो पढ़ा लिखा बच्चा हो हमारे पासी समाज का, जिसको सरकारी नौकरी दे, जो नहीं पढ़ा लिखा हुआ है जिसका क्या कहते हैं सुनिए, उनको कहते कैसे दुकान दे खोल कर होगा बिजनेस है 10 लाख या नीरा बेचल बोलवे न की नीति नीरा हमसे ले ना, हम तो देने के लिए ले नीरा नहीं लेता। एक सेकंड, जब महिला बोले तो नहीं बोलिया नहीं लेता, हम तो बोलते हैं कि नीरा खरीदे, हम नीरा देने के लिए तैयार है, तो नीरा लेंगे वो फैटिक जैसे दूध का फैटिक हुआ ना, हम लोग का उसी तरह से कहना है कि नीरा का फैटिक करेगी, या उसके बाद में नीरा का फैटिक करके जिस तरह से तारी दूध दिया जाता है लीटर के हिसाब से, उसी तरह से हम लोग तारी देंगे लीटर। ट्रेनिंग दिया गया था ना ब्लॉक में सबको, ट्रेनिंग देने वाला तो कुछ, उसको तो कुछ बनाने में नहीं करता है, पेड़ा चाहे मीठा गुड़, हम लोग क्या बनाएंगे, हम लोग तारी जानते हैं, नीरा नहीं जानते हैं, नीरा सरकार जानते हैं, तो हम तारी नहीं नहीं खोलेंगे, नहीं फ्री करेंगे नीतीश जी, कोची करिएगा। अरे कैसे नहीं फ्री करेंगे, उसका करा जाए, हमारा खानदानी पैसा है, हमारा रोजगार है, प्रकृति का दिया हुआ जूस है, कोई दारू नहीं बनाते से नहीं खोलेगा, खोलेगा इससे नुकसान नहीं होता है, क्या चीज का नुकसान होता है, क्या नुकसान होता है, कुछ नुकसान नहीं, क्या नुकसान होता है, तारी पीने से कौन मर जाता है? नहीं नहीं, महिला बोलेगी खाली महिला, तारी पीने से कौन मर जाता है, दारू पीने से मर जाता है तो भट्टी पर से 2 लाख 4 लाख कैश मिलता है तो अलग जेल से छूट जाता है, हमारे पास ही समाज को क्या करते, भेड़ बकरी के तरह अंदर कोसता है, महिला को क्या करते जाता है विभाग वाला। हम अभी देखिए, हम सरकार से अभी सरकार हमारे पास ही समाज को बलगलाने का काम कर रही है, और हम सरकार जो सरकार ने नीरा नाम दिया है, लेकिन हम आज बरसों से हम उसको नीरा हम समझबे नहीं करते। आंदोलन कई साल से कर रहे हैं? ये आंदोलन हम 6 साल से कर रहे हैं, 2016 से कर रहे हैं। एक बात, आप लोग बोल रहे नीतीश की सरकार हिला देंगे गिरा देंगे, 6 साल पहले के बाद एगो चुनाव आया जी, दूगो नीतीश जी जीता, एक सरकार बनाइए दिए, कोची हिला दिए, कहाँ सरकार बना दिए, 75 से 38 सीट पर आ गया है, तीसरा नंबर का पार्टी बन गया है, वो तो देखिए ना उसका अस्तित्व कहाँ जा रहा है, उसका अस्तित्व तो दिन पर दिन गिर रहा है, इतना गिर रहा है कि आज मीडिया के सामने शराबबंदी पर माफी मांगे, इतना मतलब कमजोर हो गए कि माफी मांग रहे शराबबंदी पर, कह के फंस गए, शराबबंदी करके नीतीश कुमार फंस गए, इसी पर प्रधानमंत्री बनथुन चाची, अभियान नीतीश कुमार जी बनाए हुए हैं, तो खुद पीते हैं ना, ये आप गलत बात बोल रहे हैं, पीते हैं आपको जेल बोलते हैं, सही बोलते हैं, हम लोग के लिए नशा मुक्ति अभियान है और उनके लिए चालू है ना, अच्छा एगो बात पूछियो, नहीं बंद कर थुन नीतीश जी चाल शराबबंदी और ताड़ी बंदी रख थुन तो की करू, बंदी करेंगे नहीं बंदी करेंगे, कोची करबो, ताड़ी होगा नहीं, हम ताड़ी आंदोलन है, शराब बंद कर दे हम लोग तो खुश है, शराब से बड़ा आंदोलन नहीं है, हमको ताड़ी पर आंदोलन है, उस शराब या बंद करे या कुछ भी करे हमसे कोई नहीं, हम उनके खिलाफ है, हम उनका। अच्छा, ताड़ी का फायदा बताइए क्या फायदा, ये है ताड़ी से फायदा ये है कि वो जहरीला नहीं होता है, एक जूस होता है, जूस होता है उससे पीने से कोई मरता नहीं है, किसी का घर नहीं बिगड़ता है, किसी का माँ से बेटा नहीं छिनाता, किसी के पत्नी विधवा नहीं होती, किसी बच्चे से बाप नहीं छिनाता है, और उससे बाद में उससे ये है कि जॉन्डिस जो बीमारी होता है, तारी पीजिएगा, जिसको जॉन्डिस है ना, आपको विश्वास है, आप किसी के पास में जॉन्डिस है पासी समाज के पास ले जाइए और उसे खजूर का तारी पिवाइए, जितना दिन का वो कह रहे आपको जॉन्डिस छूट जाएगा, खजूरिया वाला ठीक हो, तारा वाला नहीं होता है, अरे तारो वाला सही है, तारो वाला दारू शराब से तो सही है ना, वो कोई गलत नहीं है, 3 टाइम अगला पासी चढ़ता है उसको, इतना मेहनत करता है, 7 फीट चढ़ता है, उसके बाद में उतारी उतारता है, तब थोड़ा थोड़ा उसमें जूस निकलता है, तब वो अगला बेचता है, वो भी भर दिन तक तक ही कर दे, अब ये क्या विभाग वाला जाता है तो क्या करता है, फोड़ फाड़ देता है बोतल गिलास, अति जेब लवनिया छीन ले को छीन लेता है, अरे चाकू मार के चीर देता है, चाकू मार के चीर देता है, बोतल गिलास के मिश्री के दाना की तरह फोड़ देता है, अंदर बहुत
बेटी बैठी हुई रहती तो उसको भी गाली देता है। एक क्या हुआ कि हमारे सीतामढ़ी में एक लड़की का शादी था, आया तारी का छापामारी करनी, वो अगला का तारी पकड़ाया कि न पकड़ाया ये नहीं निकाल सकते, मगर जो लड़की का शादी था उस दिन पूजा मटकोर था उस लड़की को पकड़ के ले गया। बताइए वो तारी बेच सकती है? अगर हम मिसाल आपका कहने का नाम से या विभाग वाले के का नाम से या सरकार के का नाम से अगर वो बेचती भी होगी तो पूजा मटकोर के बेच सकती है? उसको पकड़ के ले गया, उसका शादी नहीं हुआ, शादी टूट गया, उसके पिताजी ने इतना पैसा खर्चा किया हुआ था, वो सब क्या सरकार देगा मुआवजा? कहाँ दिया मुआवजा? नहीं दिया मुआवजा। कितना का तो क्या करता है, जाता गंदी गंदी गाली। हमारे पास वीडियो है, विभाग वाला गया तारीख के चेक इन में तो क्या किया, महिला को मार कर यहाँ से यहाँ फोड़ दिया। एगो महिला के साथ में क्या हुआ, उसका 6 महीना के कि 7 महीना का प्रेगनेंट थी, उसको इतना मारा कि उसका बच्चा नुकसान हो गया। सब का सबूत है, देख कहिएगा तो हम दिखाएंगे, मोबाइल में वीडियो है। बच्चा ये हो गया, बच्चा नुकसान हो गया। इसके लिए वहाँ पर आंदोलन भी छेड़ा है, रोड भी वहाँ पर जाम हुआ। क्या हुआ, कुछ नहीं कर रहा है खाली, किस लिए? हमारा हम लोग सरकार से न्याय मांग रहे थे, पुलिस के खिलाफ नहीं है, नहीं किसी हम लोग किसी न दारू के खिलाफ है, न हम पुलिस के खिलाफ है। हम कुछ और कुछ बचल रह गया कहना है, और बाकी कुछ नहीं कहना, यही कहना है हमको कि बस हमको तारीख फ्री कर दे और हमसे उनसे कुछ नहीं चाहिए। तो महिलाएं भी आई है इस आंदोलन में डाक बंगला चौराहे पर, कह रहे कि हमको शराबबंदी से दिक्कत नहीं है, हमको बस ताड़ी बंदी से दिक्कत है, ताड़ी बेच के हमारा रोजगार चलता है, घर परिवार चलता है, ताड़ी बेच के बच्चों को पढ़ाते हैं प्राइवेट स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। तो अगर अचानक से बंद कर दिया जाएगा तो हम लोग सड़क पे आ जाएंगे, और अगर हम ताड़ी बेचते हैं तो पुलिस पकड़ के ले जाती है और दुर्व्यवहार करती है। तो आपका क्या कहना, प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक वीडियो देख रहे पेज को लाइक फॉलो नहीं कर लीजिए, यूट्यूब वीडियो देख रहे सब्सक्राइब नहीं कर लीजिए। जय भीम, जय भारत।